बताओ, देखो थंबनेल है, हमने गरीब बहन का रक्षाबंधन तो उसे से किसी ने नहीं देखा, तो थंबनेल का चेंज टाइटल इसलिए किया था ताकि भाई इसको जो नाटक पे क्लिक करेगा तो शायद उसके सामने ये स्टोरी आ जाए, उसके दिमाग में बढ़ जाए भाई अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। जैसे क्राइम में, क्राइम तो इंसान क्राइम करना भी सीखता है और उससे शिक्षा भी मिलती, इसलिए हमने थंबनेल और टाइटल को चेंज किया भाई ये देखो क्लिक कर आपने सके। को थी या लड़कियां नपड़ है बोलना ना जानती है तो मटर मटर बोल रहे सारी बात बताओ है इन इतनी नॉलेज है अब किस चीज तक के चीज हो जाए किस तक के चीज के नाम अपना सुखविंदर सुखविंदर मेरे मुंह तो सुरेंद्र लिख रहा है तो सुखविंदर बात यह आई थी समाज के बारे में अपना समाज हम हरियाणा तक जुड़े उड़ा यह चीज हम चाह थे अब तर यह मतलब आराम से समझाए ना मैं न्यू कहता आगे तू छोरी मान जा न्यू कर जा फलाना कर ले झगड़ा कर ले दो हर की बात है अपनी कोई भी कंपनी चेक कर ले कोई ड्यूटी कर ले नौकरी कर ले आराम तो रुकी कोई ऐसी बात ना मैं दिखा सकूं भादरगढ़ आ जाओ तुम नहीं सर इस तो छोटी हमने उम्र की बच्ची है। सीरियल्स बनाया अच्छा लुच्ची बेटी, हाँ तो उसमें क्या था कि कोई भी लड़की हो, देखो मैं सभी को कहना चाहूंगी कोई भी लड़की अगर माँ बाप को माँ बाप की तरफ ही देखेगी तो ऐसे कदम नहीं उठाएगी, जो नहीं देखती ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। हमने सिर्फ यही शिक्षा दी इस नाटक में भाई अपने माँ बाप जो पाल पड़ोस की इतनी बड़ी करते आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो उनके साथ प्लीज ऐसा मत करो, हमने यही शिक्षा दी है लुच्ची बेटी में। तो ये लुच्ची बेटी शब्द सर हम तो उठा के ना ले अपने हरियाणा का ही है, दादा परदादा तो सुनया हुआ फिर बाप से सुनया तो गाली थी ना एक गाली तो अपने हरियाणा की भाषा है लुच्ची बेटी क्यों कहो थे और क्या कहें आप में लिख लेते और क्या आप बता दो और क्या कहेंगे बदतमीज लड़की कह देते तो फिर लुच्ची बेटी फिर बदतमीज पे भी देखो बोलने वाला तो बदतमीज पे ही बोल रहा है बदतमीज छोरी अपने हरियाणा में आवारा लड़की लिख देते सर अपने हरियाणा में भाषा में तो ऐसी गालियां दी जाती फिर भी लोग कहते आवारा लड़की लिख दी कहने वाले तो कहना है सर लुच्ची जो शब्द है शब्दा का फेर है ये शब्दा का फेर है तो शब्द देख लियो अपना तो वो शब्द अमन अनु तो लिखा था नहीं कि मतलब इसको ये लिखने से इस एपिसोड को देखेंगे और लोगों ने शिक्षा मिलेगी। कई से भी हैं जो वे बतलाए जा फोन ना लेडीज आ गए खूब गंदे बोलन लग गए वे कति उगाड़े बोल रहे हैं हाँ मैं भी देखूं कई बार देखा मैं चेक करया ये बोल रहे कि हाँ। चुटकुले गंदे टाइप के हरियाणा में जो गंदे इतना बुंडा बोल रहे हैं बेशुमार फिर वो भी गलत है भाई गलत है फिर हाँ। लेकिन उन देखने वाले मेरे ख्याल में उनते भी गलत है हाँ मैं तो उनने भी गलत मानू हूँ क्योंकि अगर वो देखना बंद कर देंगे तो बोलना ही बंद कर देंगे आप कर देंगे अगर कोई मैं तो यो समाज मारता सुधरेगा यूट्यूब ना अब समाज समाज ना इंटरनेट वाले आवे हैं यूट्यूब ने तो दिक्कत है को नहीं यूट्यूब का क्या दिक्कत है बस तो मेरे यो तो समाज मारा यो हमने देखना ये तो गांव में रहे अच्छी चीज बना हुआ तो गांव में दस भाई कहेंगे भाई बैठा चाय पानी की पूछ जाएंगे तेरी इज्जत करेंगे ना तो इज्जत नहीं करेंगे सुखविंदर मान ही बात नहीं है सच्चाई है गांव की जिस टाइम पंचायत हुई हाँ मैं बुलाया बोले भाई गंदी वीडियो है आपकी मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ कहीं ना काम ना गंदी नहीं एक एक मिनट सर आप बोले आप नगाम बदनाम कर दिया मैंने एक बात कही थी मैंने भारत के लगभग 1 करोड़ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना सिखाया है मैं किसी भी सभा में मेरे को आपने बुलाया है जब लॉकडाउन था पूरे गांव के बच्चों को घर घर जाके उनकी कॉपी चेक करके आ गया था काम दे के आ गया था किसी से 1 रुपया नहीं लिया कभी किसी पेरेंट्स ने आके मेरे को ये कहा भाई मास्टर तू बहुत अच्छा काम कर लग रहा है फिर बोला आपका विरोध तो को नहीं करा और विरोध तो को नहीं करा कम से कम किसे माँ बाप ने नू तो कहना था भाई मास्टर आप बहुत अच्छा करने लग रहे हो वो जब कहेंगे जब उनके बालक कामयाब होगा अफसर बन जाएंगे ना जब कहेंगे किस दौर पढ़ाया करता है वो फलाने मास्टर दौर पढ़ाया रहा जब नाम नहीं आता आपका आज तक का रिकॉर्ड है जितने भी स्कूल में मतलब स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है कुएं में डाले तो वही करने लग रहा हूँ अब भी जो मैं पैसा कमाता हूँ ना बच्चों को पढ़ा तू फड़का तू इंतजार मेरी बात सुनो सर अब भी जो यूट्यूब से भी पैसा जो कमाया है या पब्लिकेशन में जितना पैसा कमाया है घर पे 1 रुपया भी नहीं लगा रखा 1 रुपया भी नमक की थैली भी नहीं लेके आता मैं सारा का सारा गरीब बच्चों में डोनेट करता हूँ मैं अच्छा
तो कौन सी संस्था में करो भाई साहब, के नाम उस संस्था का? संस्था का नाम सुखविंदर खोखा ही है। अच्छा। चिमनी भट्टों में जो बिहार की यूपी के लेबर आते हैं उनके बच्चों को भी मैं किताबें दे के आता हूँ। कोई आसपास है वो भट्टा? आसपास में 1 करोड़ बच्चे थोड़े ही रहूंगे सर, पूरे भारत में, पूरा हरियाणा नहीं। तू वीडियो बना, वो सामान बांट देगा अब तो ने साथ ले। उस समय मुझे पता नहीं था इन चीजों का। बांट दे भाई, मैं कहने लग रहा बांट, तेरा ना धन्यवाद करना है ना तेरा धन्यवाद, मैं करके जाऊंगा तेरा, मैं तेरे से 200 किलोमीटर दूर हूँ, तू मैंने वीडियो देखा तो, बांट के काम करते है, मैं करके जाऊंगा धन्यवाद तेरा, चाहे सारे सबने विरोध करे हो तेरा से। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, बताओ। मैंने ये काम ही लॉकडाउन के दौरान मेरे दिमाग में आया था, ठीक है, और मैंने इतने मतलब नॉलेज भी कौन थी कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, और गोगा मेडिका मेला तो देखा होगा, नहीं सुना जरूर होगा। देखिए मतलब रोड पे जाते गोगा मेडी के बहुत भगत हैं, मैं तो गया नहीं आज तक। दो दो महीने कंटिन्यू गोरख टिल्ला की किताब बांटी है फ्री में, और फेसबुक पे मेरे हिसाब से मैं बताऊँ, फेसबुक पे मेरे नियर अबाउट 10 लाख आईडियो पे फोटोज मिल जाएंगे, 10 लाख आईडियो पे। ये नहीं है कि मेरा मतलब मैं अभी इस लाइन में आऊँ, ये जो विरोध था नहीं, ये विरोध सिर्फ इस लड़की का था, मेरा कोई विरोध नहीं था कि मैं गंदी वीडियो बनाऊँ। इस लड़की के ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था, और ये भी क्यों हुआ था कि ये पूजा पाठ करती है नहीं, उस वजह से विरोध हुआ था, फिर ये वीडियो का मैटर उठा दिया मीडिया वाले ने बस। और वीडियो का यूट्यूब का तो कोई लगा देगा है ही नहीं, ना यूट्यूब की कोई FIR होती। चलो भाई मारी वीडियो लंबी हो जाएगी भाई सुखविंदर, तो इस मारे दर्शक हैं जो हम नहीं चाहो भाई उन ते अगर भाई आप अच्छी चीज बनाओ मैं दूँ। नहीं आपने इतने पत्रकार आए हैं दिनेश जी, आपने जो सुझाव दिया है वो सुझाव मैं यहाँ रखूंगा और इसके ऊपर काम करूंगा पूरा। चल लगा आपका गारंटी दूं मैं, आज यह चीज छुप के गलत होना है हमारे समाज में। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। अब पब्लिक उसने कितना प्यार देगी कितना नहीं देगी वो उसका काम पब्लिक का, लेकिन मैं इसके ऊपर इसके ऊपर 100% काम करूंगा, 100%। लेकिन गलत नहीं देखा होगा भाई, ना तो मेरे पे भी आरोप लग जाएंगे, वो शिक्षा दे के आया था, गलत मत देखा तू, बोल के बता दे यार, दोनों बैठ के बोल के बता दो, गामा में घूम के बता दो, इंटरव्यू ले लो लोग आके। देखो सर हमारा काम सीरियल बनाना है, इस तरह सीरियल मत बनाओ, फिर वो तो वही चीज आ जाएगी सीरियल में, बाजती दिखा देंगे वो दिखा देंगे, गलत चीज को दिखाओ। तो एक बात बताओ, जो सरेआम होने लग रही है, सरेआम ही होने लग रही वो तो, उसमें दिखाने की कोई जरूरत थोड़ी है बस। तो नहीं फिर हम अगर हम सीरियल बना रहे तो हमने सीरियल तो बनाना पड़ेगा। जो ट्यूशन है जो भट्टे हैं भैया आपकी किताब बांटो ना, तो ये चीज समझा दो, और आप वीडियो बनाते रहो, समझाते समझाते वो वीडियो बन गई आपकी, ये माँ अपने समझा रहे तो मेरी वीडियो बनना करी भाई, यो तो तरीका और क्या तरीका है। मेरी बात सुनो सर, हमने जो निश चुन रखा है वो निश हम चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ से मान लिया बीकानेर जाऊं, कोई भट्टा पर मटाऊं, ठीक है मेरा 2500 रुपए का खर्चा होगा, अगर मैं वही शिक्षा या लग रही मैं खर्चा माल लगाने लग रहा हूँ, आपने इज्जत कही मैं आपका जुगाड़ होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। गरीब की तो भाई सब जब आपने कहा मेरे तो पैसे हैं और मैं बांट को मेरे तो 1 रुपया भी ना आता, मैं तो आप तो भी गरीब हूँ, मेरा तो चैनल मोनोटराइज ना हो रहा है, मेरे तो पैसा आता ही नहीं, मैं अपनी जेब तो भैया दोरे लेके गाड़ी नहीं यहाँ तक ले। मेरा जो पैसा था मेरा पैसा पब्लिकेशन का पैसा था, मेरा यूट्यूब से थोड़ा ही कोई करोड़ यूट्यूब से पैसा आ रहा है, आपने कही है मेरे। तो भाई सुरेंद्र तेरे सुखविंदर तेरे समझ में आवे तो तू अच्छी लाइन में, आपका जो आपकी मर्जी भाई, मैं दबाव नहीं डालता, मैं भाई ने समझाना आया हूं, आपका जो सुझाव है उसको मैं इंक्लूड करूंगा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा पब्लिक का आगे, लेकिन गंदेपन से नहीं अच्छा ही देखा गया उस हिसाब से जो कि लोगों को पसंद आए, देखना वीडियो चल रही देखो पूरी कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करना। तो भाई इसी के साथ नमस्कार सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो भाई हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, क्यों हम दूर तो आ रहे थे, थोड़ी बातचीत भी लंबी हो, इसमें काट पीट नहीं को मतलब नहीं, तो ये साथ भाई दर्शकों चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और भाई ग्रुप में भेजो जितनी भेजी जाए, हमारी भी वीडियो चल रही इनका पता लगा कि भी थोड़ी नरमाई पा आई ये लोग, क्यों कई वीडियो में जिद्दबाजी लगी रही है, बात बनी नहीं कि बन जाए। मैं एक संदेश और दूंगा जी भाई, आपके चैनल से जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरे को, भाई यहाँ पे इतने पत्रकार आए, दिनेश जी ने जिस तरीके से बात करी और जिस तरीके से सुझाव दिया, आज तक इतने पत्रकारों में से किसी भी साथी का ये सुझाव नहीं था, और मैं 100%
मेरा मतलब पूरा का पूरा मतलब आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज़ को अच्छे तरीके से समाज के अंदर प्रस्तुत करने की। दिनेश के जो सुझाव हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं। चलो, आपको कैसे लगे? सर, मेरे को बहुत अच्छे लगे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी भाई, हमारे विचार आपको अब कैसे लगे? देखो, पहले जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए सर आपने आप सर ठीक बातें की हैं, ठीक बिल्कुल करी है, चाय पानी की पूछी हम आए हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मैंने को अपना कोई काम ना मिले ना, मेरा नंबर है भाई सबके पास, बहादुरगढ़ में आओ, कोई ना कोई काम धंधा भी ढूंढ दूंगा। चाहे मन नहीं काम सर, देखो काम तो हम नहीं, इज्जत का काम, इज्जत का काम सर। देखो मैं बता, लेकिन इस लाइन में थोड़ा सर, देखो मैं बता दूं, मैं दे इतनी बड़ी नहीं हूँ ना, इतना मैंने समाज का बेरा, तो जिस तरह हमने सीरियल्स बनाए तो शायद मेरे को पता चला भी हमारे समाज में ऐसा घट रहा है। आप अंधे हो गए उस सीरियल के थ्रू, अंधे होते चले गए, अंधकार में बांट दिया। नहीं सर, अंधे नहीं, कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि मेरे को पता चला भी हमारे समाज में ऐसा घट रहा है, जैसे कि टीवी एलईडी हो जिसमें क्राइम आते हो, क्राइम के थ्रू जो हमने स्टोरी बनानी शुरू करी भाई, हम ये टॉपिक उठाएंगे तो सर आपने पता है उनको बिरादरी का पता है अपना, आज तक जो सीरियल बन रहे हैं जो बॉम्बे के कलाकार उनकी जात बता दो, मैंने कोई किस बिरादरी से है। देखो सर, नहीं, वो फ्लैटों में रहते हैं, कहीं शादी कर ली, कोई गोत्र नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई पंचायत नहीं है, कोई पंचायत उनकी है, कोई जिम्मेदार आदमी। मेरी बात सुनो, वो जो बनाते हैं उन चीजों को देखता कौन है? हमारे समाज पब्लिक के देखते हैं लोग, यही पब्लिक देखती, यही पब्लिक हमारे ही लोग देखते हैं। फिर क्या, तो आप हम तो जुड़ते रहे हैं ना काम की संस्कृति से, आप बॉम्बे तो नहीं रहते ना, आप बॉम्बे चले जाओ बना लो, सब पत्रकार नहीं की आप तक कि बॉम्बे चले जाओ और बना लो, बाहर रहो, पंचायत जात समाज ने छोड़ कुछ भी कर लो, वो तो फिर एक रास्ता अलग हो गया ना। जब हम नहीं, मेरी बात सुनो, अगर हम हमारे घर पे बैठ के काम करने लग रहे हैं, लोगों ने क्या दिक्कत है? आपकी गैल वीडियो में बनाने लग जाऊ, आपके टाइप की मैं बनाने लाग जाऊँ, मन तुम्हारे घर के ना घुसण दे घर में, परिवार जात गाम ने कह देगा भाई तू ठीक को नहीं, मेरा सारा गांव इज्जत करे, मेरी इज्जत करनी छोड़ देगा, और क्या होगा फिर? ओका पानी मेरा बंद है, गांव में जाना मेरा बंद है, फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा ये बता। तो यूँ ही तो समाज है नहीं, फिर वो समाज की गलत सोच है ना, गलत सोच है सर जी, बिल्कुल गलत। चलो भाई, भाई का तो पता ना, मान ना मान, हमने हमारी वीडियो बना ली भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। धन्यवाद जी, आप भी इतनी दूर से चल के आए हो मेरे घर पे। चलो मेरे चैनल के लिए और बोल दो, सब्सक्राइब लाइक के लिए बोल दो आप, वो तो देखो करेंगे, कर देंगे लोग, अपने आप कर देंगे, अपने आप सारा फेस देख कर चल जाएगा काम मेरा। चलो बहुत बहुत, चलो भाई मैं कोई गंदा थिम्बल नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल लगाऊंगा जैसा भी होगा। चलो ठीक है, राम राम।